हाँ जी अपने कोले बेल बॉटम प्लाजो की लेंथ हैगी 37 इंच ते थाई जी हैगा राउंड दे विच मिणिया होया आपां ने नाप लेता होया मान लो 26 इंच आ। मूरी अपने नीचे तो रखनी है 14 इंच। अपने फिटिंग मान लो थाईज दे विचों फिटिंग होगी, मूरी अपनी लूज होगी, बेल बॉटम दे विच होगा ये प्लाजो। हुण आपां तुहानू इहदे विच दस्सांगे किस तरह किन्ने ऐड करने आ, किस तरह की मूरी रखनी है, किस तरह साइड तो शेप देनी है। सब तो पहला आपां इहदी लेंथ लवांगे, 37 इंच अपने कोले लेंथ आ, 26 इंच अपने कोले थाई जा, 26 दे विच आपां 2 इंच प्लस कर दांगे 28 हो जूगा, उदा हाफ हो जूगा 14 इंच, तां उदा 14 इंच थाईज बन जूगा। मूरी अपने कोले हैगी आ 14 इंच, ते आपां उहनूं साइड तो शेप देनी आ, बिल्कुल बैल बॉटम टाइप बनूगा, उपरों फिटिंग वाला थाईज दे विचों मूरी लूज होगी, ते राउंड इलास्टिक पाउणा। आजो आपां शुरू करिए। सब तो पहला आपने जो नीचे वध घट दिती हुई कपड़े की आपने वो देखनी है, बिल्कुल उन्होंने साफ करना, इस तरह निशान लगा लेंगे आप। इनू आप पहला सब तो पहला साफ करा, कैंची दे नाल कटिंग कर देंगे भी आप। हुण देखो आप जिहड़ी तां स्टेट पेंट बनाने उहदे तां आप साइड तो इधरों मार देने आप 1.5 या 2 इंच का मार्जिन मारते हैं आप, थाई के हिसाब न वो चीज़ मारते हैं आप। हूँ ये आप साइड तो बिल्कुल भी नहीं मारना है, इनू आप कि रखा यदि हैगी है मूरी 14 इंच, तो आप 14 इंच के निशान लगावे, कन्नी जरूर छड़ांगे आप साइड तो, कन्नी नहीं बिच लैनी, कन्नी यदि खिचवी है देखो, तो आप इनू इतों भी 14 इंच का निशान लगावे। आ सी हुण आपां जिन्नी फोल्डिंग करनी है उहदा उन्ना निशान लगाउणा नीचे तो, आपां उह तुसीं अपने हिसाब नाल भी लगा सकदे हो, देखो जिवें असीं ज़्यादा नहीं लगाउंदे, असीं सिर्फ 1.25 दा 2 दा इन्ना क मार्जिन लैंदे हुंदे आ, जे तुसीं ज़्यादा फोल्डिंग करनी है तां तुसीं वध निशान भी लगा सकदे हो। हुण आपां इहदी लैणी है लेंथ, लेंथ आपां इस निशान तो मिलांगे इहनूं, 37 इंच अपने कोले लंबाई आ, तां इहदे विच 2 इंच प्लस कर देंगे इलास्टिक दे, जे तुसीं 1 इंच इलास्टिक पाउणा तां तुसीं घट भी कर सकते हो, आप 1.25 इंच इलास्टिक पावे उपर राउंड इलास्टिक पाना, तो आप 38 इंच 37 इंच लंबाई है देखो यदि, तो 2 इंच ये ऐड कर देंगे 39 इंच लंबाई का कटिंग करा, आप 39 इंच के निशान लगावे देखो। हम आप बिल्कुल इतों सीधा निशान लगाना है आवली चीज़ का। हूँ यदा आसन का निशान लगावे आप 13 इंच से, हर किसी लेडीज़ दे देखो 13 इंच ही लगता आसन का निशाइन, जे तुहाडा बन उच्चा गा तां तुसीं 13.5 इंच लगा सकते हो, तो आपां नूं झोली वध रखनी पेगी, नॉर्मल बन दे साइज़ दे हिसाब नाल आपां उपरों 13 इंच दे निशान लगावांगे आसन का। यह अपने हो गया आसन का निशान। हुण आपां इहदा लैणा थाईज, थाईज किन्ना आपां कन्नी नूं छड्डना, इत्थों भी देखो कन्नी नूं आपां साइड तो छड्डना गा, थाईज हैगा अपने कोले 14 इंच, तो आप इन 14 इंच से ही निशान लगावे, 2 इंच आपने 1.25 इंच अंदर लवेंगे निशान, आप थाई के निशान तो 2 इंच आप अंदर लेना, फिर बिल्कुल उपरों सीधा रखना, इस तरह आप इधरों भी बिल्कुल सीधा रखा। अपने देखो आ हर एक प्लाजो के ढाल देने आपने किन्ने इंच की ढाल देनी है, 1 इंच की ढाल देवे नीचे तो, हाँ आपने 1 इंच की ढाल दी है इतों दी है रेव करके। हुण आपां इहदे विच आ गलाई देनी है देखो, हुण आपां इहदी शेप देनी है, आपां फट्टी की शेप दे नाल शेप देवांगे देखो, बिल्कुल आपां दूसरे प्लाजो नूं तां इस तरह स्टेट करके इस तरह लैके आंदे सी, इह आपां बिल्कुल इतों रखनी है, आपां ने थाई दे विचों फिटिंग देनी है इहदी, नीचे तो लूज रखना देखो, इन्नी डंगाई पौगी इहदे विच इतों, बिल्कुल कन्नी दे नाल मिला देंगे देखो, आपने इधरली साइड तो देनी है देखो, बिल्कुल उपरों नहीं शेप देनी, इतों ना फिटिंग आवे, थोड़ा जा अपने गोडे तो उपर शेप देनी है आपने, क्यों जे आपने ज्यादा उपरों शेप देती थाईज दे विचों बिल्कुल उपरों फिर आपां नूं बैठन दे विच दिक्कत आ सकती है, तो आप गोडे तो उपरों फिटिंग देवे नीचों तो लूज शेप आऊगी जी बिल्कुल। आज हूँ आप कटिंग करिए, नीचे तो आपने वही कन्नी तो कन्नी लेके जानी है, कन्नी की शेप देखो
ਇੱਥੋਂ ਫਿਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਲੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ। अपने निशान लगाया 1 इंच नीचे तो ठाल, ये अपनी फ्रंट की कटिंग होगी। देखो हम आप कटांगे बैक, ये अपनी आ गई बैक। हम आप जो फ्रंट हो गए फ्रंट वाले आपूद उपर रख के कटिंग करा। देखो साइड तो आपने कन्नी तो छड़नी छड़नी है क्योंकि कन्नी यदि खिचवी दिती हुई है, आप बिल्कुल सीधा रखांगे इस तरह जिथों अपनी शेप दिती हुई। देखो उतो तो बैक की भी इस तरह कटिंग होगी ये नाल नाल बिल्कुल ही। आप सब तो पहले इन्हू नीचे तो साफ करांगे, इधरों भी आप कन्नी के नाल नाल जो अपने फ्रंट कटिया सी उहदे नाल नाल ही कटिंग करनी है। बिल्कुल भी सोनू कोई प्लाजो चढ़न की दिक्कत नहीं होनी, बिल्कुल स्ट्रेट रहूगा। कई प्लाजोआं दे विच देखो जिवें आ झोली वाली सिलाई हुंदी आ अंदरों ही खिच मारन लग जांदी आ जां अंदर नूं चढ़न लग जांदी आ, इहदे विच कोई भी प्रॉब्लम नहीं आऊगी तुहानूं। तां आपां हुण इहदी लूजिंग पाउणी आ। इह तुहानूं आपां ने पहलां वाली वीडियो दे विच भी दस्सिया सी जदों आपां बैक की कटिंग करनी आ तां आपां 2 सूत नीचे नूं उहदा निशान लगावांगे। उह क्यों लगदा है? क्योंकि जदों आपां आह वाली शेप देवांगे इतों रेव हो जाती है आह वाली चीज़, जो आप आपस में सियाणा मिला के जोड़ते हैं तो अपनी बैक बढ़ जाती होंगी। जे आप 2 सूत नीचे करा तो यह अपनी बैक बिल्कुल सही आऊगी। ना प्लाजो वाली सिलाई है जी मेन सिलाई आ गई जितों खिच मार दी वह खिच नहीं मारूगी बिल्कुल भी। हूँ आप लूजिंग पावे थाइज के कोलो 2.5 इंच की, कि आप 2 इंच की भी पा सकते हैं क्योंकि यह कपड़े के बिल्कुल भी स्टैच नहीं है। आप करके 2.5 इंच लूजिंग लै रहे हैं। इसे तरी आपने इथों शेप देनी है उपरों तुहानू दस्या है आपने उ 1 इंच की ही गैप पाउणा गा। देखो ज़्यादा नहीं पाउणा, बिल्कुल 1 इंच की ही गैप पावे आप उपर वाले नाल आ वाले तो। इतों अपने हाल लेती है 2.5 इंच की लूजिंग। हुण अपने आ चढ़ा देखो तुसीं किस तरह नाप के हिप के हिसाब नाल रखांगे आपने। ये नॉर्मल साइज अपने कोले तां आपां इहदे बैक 2.5 इंच वध कटांगे। देखो उपर वाला हिस्सा फ्रंट नालों आही निशान तो देखना आपने जो आपने 1.5 इंच का इतों घट करया होया सी। देखो 1 इंच आपने काट पाई हुई सी उहनू कटिंग करके तो आप 2.5 इंच की बैक बद पाउणी आ। इतों आप बिल्कुल सीधा रखांगे, इको दम ना तो आपने रेव करना ना ही इको दम गुलाई देनी है। अपने हल्की हल्की इसे तरह ही गुलाई देके जानी है क्योंकि अपन लास्टिक दे विच कोई प्रॉब्लम नहीं आऊगी। हुण आपने नीचे तो शेप देनी है। नीचे तो आप शेप देखो वही 1 इंच की देवे मूहरी कोलों। तुसी मिनके भी निशान लगा सकते हो जमा सही 1 इंच की ही निशान लगाया। देखो हम आप फट्टी की मदद नाल इत निशान लगा लांगे। इथों आपने 19 स्पेस देनी है 1 इंच की। बिल्कुल अपने कली थाइज के विच ही वध लाया लूजिंग, वह भी 1/2 इंच लाई है कपड़े च स्टैच नहीं। जे अपना कपड़ा स्टैचेबल हो तो तुसी इहदी लूजिंग 2 इंच भी पा सकते हो। इसे तरह आप बैक की कटिंग कर लेंगे। अपने बैल बॉटम प्लाजो की कटिंग रेडी होगी। देखो बिल्कुल भी कई बार लेडीज बिच कह देंगे भी दीदी दी शेप घट आ, शेप देखो ये घट नहीं हैगी। मूरी भी अपने को 14 इंच आ, थाइज भी अपने को इन्ने ही सी। जे थाइज अपना घट होगा तो होर भी वधिया शेप आऊगी। तो सोनू किसी होर वीडियो दे विच दिखावांगे पतले साइज दे विच। फिलहाल अपने को यही वीडियो सी जिहदे विच आपने 14 इंच थाइज के हिसाब ना उपरों फिटिंग का निशान लगाया। शेप बिल्कुल जो बन के रेडी हो गया बिल्कुल ही उही लुक आऊगी ये बैल बॉटम वाली। हुण आपां इहदी कटांगे पॉकेट। आपां एक पॉकेट लगानी है राइट साइड से पॉकेट लगावे। पॉकेट का साइज तुसीं आपां लवेंगे 13 इंच। पहला नीचे तो शेप देवे देखो आपां अपने हिसाब ना दे सकते हो। देखो गलाई दे विच देनी है गलाई, इतों चौरस बना सकते हो जिमें भी तुसीं बनानी है वो तुहाडी मर्जी है। पॉकेट की लंबाई आपां 13 13 दे विच ही रखांगे तो आपां 13.5 इंच की कटिंग करांगे। ये अपने बैल बॉटम
प्लाजो की कटिंग बिल्कुल तैयार होगी बन के। हाँ जी, ये अपने देखो उहदी पेंट की कटिंग बिल्कुल रेडी आ, तैयार कटिंग करती आपां ने। जे तुहानू ये वीडियो वधिया लगी तां तुसीं साडे चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करियो ते वीडियो नूं शेयर करियो।